people, I believe you're doing great, and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. Being a primary form of social contract between the representatives and represented ones, Constitution plays a paramount role in affairs of a nation, in that it lays down the foundations for the principles upon which the governors entertain the governed ones. In other words, it defines the manner in which popular aspirations are heard and put to tangible reality. Then, it won't be wrong to award Constitution with the status of maker or breaker of a nation. Against this backdrop, today's topic under discussion is 18th Amendment and 7th NFC Award. जैसा कि स्क्रीन पर विजिबल है, जो टॉपिक अंडर डिस्कशन आज है वो उसका कनेक्शन और लिंक बनता है डायरेक्टली पाकिस्तान अफेयर्स के साथ। इस टॉपिक को मैंने सर्टन कंपार्टमेंट्स और सेक्शन में डिफाइन किया है या डिवाइड किया है ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको समझने में आसानी हो। लेक्चर में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि 18th अमेंडमेंट है क्या, 18th अमेंडमेंट ने कैसे पाकिस्तान में जो हमारे पास एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट थी पाकिस्तान की, जो कि जिसको हम आज फेडरलिज्म कहते हैं, उसको कंसोलिडेट किया। इस अमेंडमेंट ने कैसे कंसोलिडेट किया ये आज हम पढ़ेंगे। फर्दर 18th अमेंडमेंट का गुड गवर्नेंस के साथ क्या रिलेशनशिप है वो हम देखेंगे आज। उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि 18th अमेंडमेंट के थ्रू कैसे हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे या हैं, उन्होंने सोशल डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेशनल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी के लिए कैसे एक वेव सेट किया। ठीक, तो इंट्रोडक्शन को हम पढ़ते हैं, उस साथ जो चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली होंगी मैं टाइम टू टाइम, और हम जैसे जैसे आगे प्रोसीड करते जाएंगे मैं आप लोगों को चीज़ें समझाता जाऊँगा। पहला जो पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है इंट्रोडक्शन में वो है पाकिस्तान अ फेडरल रिपब्लिक। अब हमें पता है कि पाकिस्तान इस्लामिक और फेडरल रिपब्लिक है, यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास पॉलिटिकल अरेंजमेंट है, सही, या जिस मैकेनिज्म के थ्रू पाकिस्तान में हमने पावर को डिफाइन और डिवाइड किया है, उस मैकेनिज्म और उस फ्रेमवर्क को हम आज कहते हैं फेडरलिज्म। सिंपल वर्ड्स, फेडरलिज्म हमारे पास एक ऐसी पॉलिटिकल अरेंजमेंट है जिसके थ्रू हम पावर को डिवाइड करते हैं बिटवीन द सेंटर एंड इट्स फेडरेटिंग यूनिट्स। ठीक, उस मैकेनिज्म को, उस फ्रेमवर्क को हम कहते हैं फेडरलिज्म। दूसरी जो यहां पे टर्म जो समझने वाली है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक हमारे पास एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि जिसको सिलेक्ट करती है पॉपुलेस और पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन, उसको हम ऐसे कहते हैं कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको चूज करते हैं नेशनल्स और सिटीजंस, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम कहते हैं रिपब्लिक। तो यहां तक आप लोगों को दो चीजें समझ आनी चाहिए कि फेडरलिज्म क्या है और रिपब्लिक क्या है, या रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट यहां पे है वो लिखा है द अमेंडमेंट, यानी यहां से आगे हम अब 18th अमेंडमेंट को डायरेक्टली स्टडी करेंगे। द अमेंडमेंट रिस्टोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 टू इट्स ओरिजिनल सब्सटेंस एंड स्कोप। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान एक फेडरल रिपब्लिक कंट्री है। फेडरल रिपब्लिक कंट्री है मतलब ये कि जो हमारे पास पावर है या रिसोर्सेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर प्रोविंसेस। ठीक, तो 18th अमेंडमेंट से पहले हमने देखा कि पाकिस्तान की जो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है या डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैकेनिज्म था बिफोर 2010 आर बिफोर 18th अमेंडमेंट, वो उस तरह का नहीं था जैसे कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे प्रोवाइड करता है, उस तरह की पावर अरेंजमेंट या पावर डिस्ट्रीब्यूटरी अरेंजमेंट यहां पर नहीं थी। तो 18th अमेंडमेंट के बाद जो हमारे पास पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट थी उसकी शेप और उसकी जो एसेंस थी वो फेडरल इन आउटलुक हुई। सही, नेक्स्ट आगे यहां से पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबलीज बाय ओमिटिंग द नोटोरियस 17th अमेंडमेंट एंड 58(2)(b). 18th अमेंडमेंट से पहले हमारे पास जो पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप थी या जो डिक्टेटर था उसके पास इतनी अथॉरिटी और पावर थी कि वो प्रोविंशियल असेंबलीज को, नेशनल असेंबली को एंड प्राइम मिनिस्टर को वो डीथ्रोन कर सकता था। सही, जो असेंबलीज थी उनको साइड लाइन कर सकता था, उनकी अथॉरिटी को थ्रेटन एंड चैलेंज कर सकता था। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद जो 17th अमेंडमेंट है जिसमें 58(2)(b) है आर्टिकल, ठीक, इन दो को हमने रिमूव किया थ्रू 18th अमेंडमेंट। सही, और हम जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी उनको ज़्यादा इफेक्टिव बनाया। सही, पार्लियामेंट को इफेक्टिव बनाया और प्राइम मिनिस्टर का जो पोर्टफोलियो है उसको मोर अथॉरिटी प्रोवाइड की एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, नेक्स्ट मेकिंग पाकिस्तान अ फेडरल रिपब्लिक इन ट्रू अ सेंस, हम बात कर चुके हैं कि कैसे 18th अमेंडमेंट ने
पाकिस्तान को एक ट्रू मीनिंग और एसेंस में एक फेडरल रिपब्लिक बनाया, सही, एक रिप्रेजेंटेशनल टाइप ऑफ पॉलिटिकल अरेंजमेंट पाकिस्तान को रेंडर की 18 अमेंडमेंट ने, सही। नेक्स्ट, रेंडरिंग अटोनमी फॉर प्रोविंसेस बाय डिवॉल्विंग एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स। अब हम न्यूज आर्टिकल्स में हम बार बार पढ़ते हैं, रिसर्च पेपर्स में हम पढ़ते हैं, जहां पे 18 अमेंडमेंट की बात होती है वहां पे पावर डिवोल्यूशन की बात होती है, वहां पे प्रोविंशियल अटोनमी की बात होती है, सही। तो 18 अमेंडमेंट ने किया ये कि जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में जो दो लिस्ट थी, फेडरल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट को साइडलाइन किया, फेडरल लिस्ट को जो ना इंटैक्ट रखा, सही। और फर्दर जो हमारे पास पावर अरेंजमेंट थी या जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था उसको दोबारा से रिकैलिब्रेट किया इस अमेंडमेंट ने, सही। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि 18 अमेंडमेंट ने प्रोविंसेस को ज्यादा पावर जो ना वो प्रोवाइड किए, सही, पावर इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल अरिना, सही। नेक्स्ट, सेटिंग एंड इवन एंड कंसेंसस बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ ट्रिकल डाउन मैनर। ये 18 अमेंडमेंट ही है जिसने ये इंश्योर कराया कि जो पावर डिवोल्व होगी, सही, जो अथॉरिटी प्रोविंसेस को दी जाएगी, उस अथॉरिटी का जो इम्पैक्ट है या इफेक्ट है वो डायरेक्टली फील होगा ऑन द ग्रास रूट लेवल, सही। इस अमेंडमेंट ने ये इंश्योर कराया। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इस सेक्शन में, पेविंग द वे फॉर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस एंड देयर बाय फंक्शनल डेमोक्रेसी। अब हमें पता है हमारे पास जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं और लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो इफेक्टिव होंगे, सही, अगर उनके पास अथॉरिटी ज़्यादा होगी, उनके पास आवाम सेंट्रिक लेजिस्लेशन करने की अथॉरिटी होगी तो क्या होगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, जो पॉलिसी मेकिंग होगी वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगी, सही, आवाम की जो एस्पिरेशंस है वो मीट होंगी उन उस रेगुलेशन और लेजिस्लेशन के थ्रू। तो हमारे पास क्या होगा, जो लोकल गवर्नमेंट का जो सेटअप है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगा, ज़्यादा अफेक्टिव होगा, ठीक। अब जब गवर्नेंस का स्ट्रक्चर या स्टेट मशीनरी लोकल लेवल पर ज़्यादा अफेक्टिव और रिस्पॉन्सिव होगी तो क्या होगा, अवाम की जो एस्पिरेशंस है वो मीट होंगी, सही। इस गुड गवर्नेंस की वजह से, यानी इसको हम गुड गवर्नेंस कहते हैं, गुड गवर्नेंस जो है ना वो लीड करेगी टू फंक्शनल डेमोक्रेसी। एक ऐसी हमारे पास पॉलिटिकल, एक ऐसा कल्चर यहाँ पे डेवलप होगा जिसको हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में कहते हैं फंक्शनल डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी, जिसमें पार्टिसिपेशन ब्रॉड बेस होगी, सही, जिसमें वही लोग रिप्रेजेंट सेलेक्ट होंगे जो कि जिनको डिफाइन या डिसाइड करेंगे या जिनको वोट ज़्यादा मिलेंगे पॉपुलेस की तरफ से, वहीं लोग पॉपुलेस को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। यहाँ तक तो हमने पढ़ा, अ ब्रीफ जो है ना वो हमने देखा कि 18 अमेंडमेंट है क्या और इसने क्या किया, हमने ब्रीफ जो है ना वो इसको यहाँ देखा। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ यहाँ पे जो हेडिंग है वो है 18 अमेंडमेंट बेसिकली असल में है क्या, सही। हम पढ़ेंगे कि व्हाट द 18 अमेंडमेंट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर, क्या मतलब 18 अमेंडमेंट है क्या। तो इसका पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, अ ब्रॉड बेस्ड पॉलिटिकल लेबर दैट एलिमिनेटेड द प्रोस्पेक्ट फॉर डिमोलिशिंग द क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बाय नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। अब हमें पहले बात की, जो इस अमेंडमेंट से पहले जो डिक्टेटरशिप थी या जो प्रेजिडेंट हुआ करता था वो प्राइम मिनिस्टर नेशनल असेंबलीज एंड प्रोविंशियल असेंबलीज को डिमोलिश कर सकता था, ठीक, उसके पास अथॉरिटी उसको हासिल थी अंडर 17 अमेंडमेंट कि वो नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज को खत्म कर सकता था, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स ने मेजोरिटी शो की, सही, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के फॉर्म में एक मेजोरिटी एक जो है ना वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने शो की, सही। उस मेजोरिटी का जो हमारे पास फ्रूट है वो सामने आया इन द फॉर्म ऑफ 18 अमेंडमेंट, सही। 18 अमेंडमेंट ने लीडरशिप जो जो डिक्टेटरशिप की जो अथॉरिटी थी कि वो प्रोविंशियल एंड नेशनल असेंबलीज को ब्रेक डाउन कर सकता था, उसको स्नेच किया इस अमेंडमेंट के थ्रू, सही। नेक्स्ट यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट हमने लिखा है, फोर्टिफाइंग नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज अगेंस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कूस, हमने यही बात की। अब 18 अमेंडमेंट के बाद कोई भी प्रेसिडेंट और डिक्टेटरशिप या कोई डिक्टेटर प्रोविंशियल एंड नेशनल असेंबलीज को डिवोल्व नहीं, उनको खत्म नहीं कर सकता, ठीक। नेक्स्ट, एबोलिशिंग द कंकरेंट लिस्ट एंड देयर बाय फोस्टरिंग पूल सोवरेनिटी। अब ऊपर हमने बात की, ये पॉइंट ऊपर आना चाहिए था कि पूल सोवरेनिटी क्या है। हमने बात की फेडरलिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल अरेंजमेंट है जिसमें पावर को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन द सेंटर एंड इट्स फेडरेटिंग यूनिट्स आर प्रोविंसेस, ठीक। 18 अमेंडमेंट ने दो तीन चीजें की। पहली बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दो लिस्ट थी, फेडरल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट को टोटली इसने खत्म किया, सही, और उस लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स थे वो प्रोविंसेस को दिए, सही। कंकरेंट लिस्ट हमारे पास एक ऐसी लिस्ट थी जिसमें या जिसके थ्रू या जिसमें जो सब्जेक्ट्स थे उनके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावर और अथॉरिटी होल्ड कर रही थी एट द एक्सपेंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। लेकिन 18 अमेंडमेंट ने इस कंकरेंट लिस्ट को खत्म किया और इसमें जो सब्जेक्ट्स थे वो प्रोविंसेस को दे दिए, सही। अच्छा, पूल सोवरेनिटी की बात करे थे,
हमने लिखा यहाँ पे अबोलिशिंग द कंकरेंट लिस्ट एंड देयर बाय फोस्टिंग पूल्ड सोवरेनिटी। पूल्ड सोवरेनिटी का मतलब यह है कि जो अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो थी उसने सेंट्रल गवर्नमेंट आर जो हमारे पास सेंटर एंड प्रोविंसेस की जो अथॉरिटी आर पार थी उन्होंने उस पावर को ऐसे डिवाइड किया कि वो इक्वल हैं। अब सही पावर को पूल करने का मतलब ये है कि उसको मतलब कंसेशंस एंड रिवर्ट का एक मैकेनिज्म यहाँ पे लेके आया जिसको हम इन अदर वर्ड्स कहते हैं पूल सॉवरेनिटी। सही अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे हमने जो लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ कंकरेंट लिस्ट एंड फेड लिस्ट उसके बारे में कुछ हमारे पास डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंकरेंट लिस्ट थी जिसमें 47 सब्जेक्ट्स थे वर मेकिंग सेंटर मोर स्ट्रॉन्ग देन द फेडरेटिंग यूनिट्स। अभी हमने बात की इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा अथॉरिटेटिव आर पावरफुल बनाते थे एज कम्पेयर टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। लेकिन 18 अमेंडमेंट ने क्या किया इस लिस्ट को टोटली खत्म कर दिया। सही इसको रिमूव यहां पे मैंने लिखा है क्योंकि 18 अमेंडमेंट ने इस लिस्ट को खत्म कर दिया। दूसरी जो लिस्ट थी 18 उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हम कहते हैं द फेडरल लिस्ट जिसमें 67 सब्जेक्ट्स हैं। सही द अमेंडमेंट हैज केप्ट दिस लिस्ट इंटैक्ट व्हाइल डिवाइडिंग इट डिवाइडिंग यहां पे है इन टू टू पार्ट्स। एक बात यहां तक हमें यह समझ आई कि जो कंकरेंट लिस्ट थी वो खत्म हो गई उसमें जो सब्जेक्ट्स थे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दिए गए। सही दूसरी जो लिस्ट अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको हम कहते हैं फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट को 18 अमेंडमेंट ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पार्ट वन क्या है इसमें वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो कंट्रोल कर रही है या उनको ओवरसी कर रही है जिसमें फॉरेन अफेयर्स है करेंसी है। सही उसके बाद ट्रेड है डिफेंस एंड कम्युनिकेशंस एक्सेट्रा। सही ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि पार्ट वन में है फेडरल लिस्ट पार्ट वन में और इस पार्ट को डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट ओवरसी कर रही है। जो पार्ट टू है जिसमें वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि असाइन हुए द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को। ठीक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को पार्ट टू के जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं वो उसको असाइन हुए। सही तो इस तरह 18 अमेंडमेंट ने जो कंकरेंट लिस्ट थी जो कि रिग्रेसिव या जो कि हमारे पास जो है ना वो एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट को शो कर रही थी उसको खत्म किया और जो फेडरल लिस्ट थी उसको फर्दर कैटेगराइज और डिवाइड किया इनटू टू पार्ट्स। यहां तक हमें यह समझ आई। नेक्स्ट 18 अमेंडमेंट ने तीन कमीशन या कमीशंस आर बॉडीज बनाए जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे लेकिन इनफेक्टिव थे जिसमें पहली हमारे पास जो बॉडी है उसको हम कहते हैं द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की कैपेसिटी को बिल्ड किया गया आफ्टर या विद द 18 अमेंडमेंट। सही अब जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसका काम या उसका जो रोल है वो मीडिएटरी रोल है मीडिएशन करना है बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस। सही कोई भी इशू आ जाता है बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस उस इशू को रिजोल्व करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब वो डायरेक्टली काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पे है या इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें कि ये ब्रिज का रोल प्ले करती है बिटवीन द सेंटर एंड इट्स फेडरेटिंग यूनिट्स। सही दूसरी जो बॉडी बनाई गई उसको हम कहते हैं द नेशनल इकोनॉमिक कमीशन। नेशनल इकोनॉमिक कमीशन ये हमारे पास इकोनॉमिक जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो रेलम है उसमें ये कमीशन जो ना अपना रोल प्ले करती है। सही इसका काम ये है कि जो रिसोर्सेस हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है ये डिफाइन ये वाली बॉडी करती है। सही नेक्स्ट जो थर्ड बॉडी यहाँ पे बनाई गई उसको हम कहते हैं जुडिशियल कमीशन। ये लीगल बॉडी है। सही जुडिशियल कमीशन या लीगल बॉडी ये डिफाइन या डिसाइड करती है कि कौन से वो लोग होंगे जो कि जजेस बनेंगे टू ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक ये तीन बॉडीज बनाई गई 18 अमेंडमेंट के बाद। सही नेक्स्ट अब हम जरा डिटेल से पढ़ते हैं कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसका पर्पस क्या है उसका रेजन डेटर क्या है और ये कैसे अपना रोल प्ले करता है ये बॉडी करती है। सही आगे लिखा है द अमेंडमेंट बिल्डिंग द कैपेसिटी ऑफ सीसीआई टू प्ले द रोल ऑफ इंटरलोक्यूटर बिटवीन द फेडरेशन एंड यूनिट्स। ऊपर हमने बात की कि प्लेस अ रोल ऑफ ब्रिज बिटवीन द सेंटर एंड फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। सही नेक्स्ट रिजॉल्विंग सच इश्यूज एज इंटर प्रोविंशियल हाइड्रो क्लैशेस। अब यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने के लिए कि इस तरह का कोई इशू अगर आ जाता है बिटवीन प्रोविंसेस जैसे सिंध एंड केपी में इस तरह का वाटर क्राइस इशू एक चलता है या एक क्लैश होता है तो इस तरह के जो इशूज हैं उनको डील करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो असाइंड है टू द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। इसमें आखिरी पॉइंट लिखा है अ ब्रिज बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस कि सेंटर एंड प्रोविंसेस के बीच में अगर कोई वहां पे अगर मिसहैप हो जाता है कोई क्लेश वहां पे अराइज करता है तो उसको डील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की। आगे जो दूसरी हमारे पास कमीशन और बॉडी है उसको हमने कहा द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मेकिंग द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल फंक्शनल। अब 18 अमेंडमेंट ने जो ऑलरेडी एक बॉडी एग्जिस्ट कर रही थी जो कि डिसफंक्शनल थी उसको फंक्शनल बनाया बाय बिल्डिंग इट्स कैपेसिटी। ठीक नेक्स्ट नेशनल इकोनॉमिक कमीशन आर काउंसिल टेलरिंग 5 ईयर्स प्लान। अब NFC अवार्ड जो है उसको टेलर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्राफ्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस बॉडी के
उस इस बॉडी के अंडर वो इन्वॉल्व है। सही यार, इस बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये नेशनल फाइनेंस कमीशन को डिजाइन करें। सही। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डेमोग्राफी एंड नेशनल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। फर्दर, जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल जो हमारे पास मैनर है उसमें डिफाइन करें या डिवाइड करें। यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली अभी है वो है वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब। वर्टिकल की बात जब करते हैं तो वो ये हम बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंटर को कितना शेयर मिलेगा फ्रॉम रिसोर्सेस। सही। और जो प्रोविंसेस हैं उनको कितना रिसोर्स मिलेगा या किस रेशियो में उनको हम रिसोर्सेस एलोकेट करेंगे। ये चीज हम डिफाइन करते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो प्रोविंसेस को, जो हमारे पास 4 प्रोविंसेस हैं, उनको रिसोर्सेस किस मैनर में डिवाइड होंगे, क्या करेंगे, ये हम डिसाइड करते हैं और डिफाइन करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के रेल में। सही। अब 18 अमेंडमेंट से पहले होता क्या था? 18 अमेंडमेंट से पहले होता यह था कि जो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट थी, या पहले बात प्रोविंसेस की करते हैं, जो नेशनल रिसोर्सेस थे उनको डिफाइन या एलोकेट किया जाता था ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन, कि जिस प्रोविंस की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसको ज्यादा रिसोर्सेस मिलते थे। जैसे पंजाब को ज्यादा जो है ना वो एक लाइन शेयर मिलता था, जिसकी वजह से बाकी जो सारे प्रोविंसेस थे वो खुश नहीं थे। लेकिन 18 अमेंडमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब जो रिसोर्सेस है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ पॉपुलेशन के बेस पर नहीं होगी, बल्कि हम डेमोग्राफी या पॉपुलेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम इन व्यू रखेंगे वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अच्छा, एनएफसी के अंडर एक और भी चीज यहाँ पे इस बॉडी ने डिफाइन किया कि जो डिविजिबल पूल है या जो नेशनल रिसोर्सेज में या फाइनेंशियल रिसोर्सेज में जो शेयर होगा प्रोविंसेस का, उसको डिफाइन किया इस बॉडी ने 57.5% अप जो शेयर है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का है, और 42.5% जो डिविजिबल पूल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है, बिफोर 18 अमेंडमेंट रिसोर्सेज वर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ऊपर हमने बात की, पहले हम रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त सिर्फ जो इंडेक्स का जो हम इन व्यू रखते थे वो पॉपुलेशन थी। सही। हमने बात की सिर्फ पॉपुलेशन को इन व्यू रख के हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते थे, जिसकी वजह से कुछ प्रोविंसेस ज्यादा जो है ना वो रिसोर्सेज गेन कर रही थी एट द एक्सपेंस आर टू द डेट्रीमेंट ऑफ अदर्स। लेकिन 18 अमेंडमेंट के बाद हमने डिफाइन किया कि सिर्फ पॉपुलेशन को हमने कंसीडर नहीं करना, बल्कि आगे कुछ टर्म्स यहाँ पर मैंने मेंशन की हैं उनको भी कंसीडर किया जाएगा वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग और एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू द सेंटर एंड प्रोविंशियल प्रोविंसेस। ठीक। जिनमें क्या है, बट द अमेंडमेंट अलाइन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग सच इंडिकेटर्स एट डेमोग्राफी। हमने पढ़ा 18 अमेंडमेंट से पहले सिर्फ हम पॉपुलेशन को कंसिडर कर रहे थे, लेकिन अब क्या है, डेमोग्राफी को कंसिडर कर रहे हैं, पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस को कंसिडर कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी को या रेवेन्यू जनरेशन एंड कलेक्शन की कैपेसिटी को हम कंसिडर कर रहे हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज को हम कंसिडर करते हैं। ये कुछ इंडाइसिस या इंडिकेटर्स है जिनकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस प्रोविंस को कितना शेयर मिलना चाहिए फ्रॉम नेशनल रिसोर्स आर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करती है जो बॉडी, उस बॉडी को हमने कहा नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। नेक्स्ट जो बॉडी है जिसको इफेक्टिव बनाया 18 अमेंडमेंट ने, उसको हमने कहा कि हम कहते हैं जुडिशियल कमीशन। अब जुडिशियल कमीशन डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं जजेस फॉर सुप्रीम एंड हाई कोर्ट्स। ठीक। पूरा जो इसका एक मतलब जो चेन है वो प्रॉपरली फॉलो होता है इस कमीशन में। सही। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि एनएफसी अवार्ड क्या है, मतलब इसका पर्पस क्या है और कैसे ये जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, सही, रिसोर्सेज जो की जो एलोकेशन होती है उसको कैसे ये इंश्योर कराता है, ये हमारे पास जो एक फ्रेमवर्क है। तो यहां पे लिखा है अ मैकेनिज्म टू डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस। यानी एनएफसी अवार्ड हमारे पास एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस। ठीक। जिसमें हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस है। टैक्सेस की बात हम करते हैं तो उनमें कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मेंशन है, कॉर्पोरेट सेल्स एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज, यानी कॉर्पोरेट टैक्सेस, सेल्स टैक्सेस एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज। सही। नेक्स्ट, जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि ये जो बॉडी है वो क्या करती है, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स द प्रेजिडेंट कॉन्स्टिट्यूट्स द नेशनल दिस अवार्ड फॉर 5 ईयर्स। जो प्रेजिडेंट होते हैं वो हर 5 साल बाद एक एक एनएफसी अवार्ड लेके या एक नए एनएफसी अवार्ड को फॉर्मुलेट करते हैं। सही। नेक्स्ट, द 18 अमेंडमेंट इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ नेशनल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू प्रोविंसेस। ऊपर हमने बात की कि जो 18 अमेंडमेंट है उसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ज्यादा रिसोर्सेज अलोकेट किए। सही। क्योंकि जो हमारे पास कंकरेंटलिस्ट में जो सब्जेक्ट्स थे वो भी अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास, जैसे जैसे एजुकेशन का जो सेक्टर है वो प्रोविंसेस के पास, हेल्थ का जो सेक्टर है वो प्रोविंसेस के पास,
टैक्सेस को कलेक्ट करने एक्सेट्रा, ये सब्जेक्ट्स अब प्रोविंसेस के पास जब होंगे तो जाहिर बात है एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो ऑन को इंप्रूव करने के लिए हमें ज्यादा हमें अथॉरिटी एंड पावर चाहिए होती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत होती है, राइट। तो इस बात को इन व्यू रख के 18 अमेंडमेंट ने जो हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जो पूल था उसको डाइवर्ट किया टूवर्ड्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ताकि वो उस उन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करें फॉर द एमिलियोरेशन ऑफ सब्जेक्ट्स जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को मिले आफ्टर 18 अमेंडमेंट। ठीक, नेक्स्ट, अंडर 18 अमेंडमेंट एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 163A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 18 अमेंडमेंट और आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है 163A, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो अपकमिंग जो NFC अवार्ड में जो प्रोविंसेस का जो शेयर होगा वो प्रीवियस शेयर से कम नहीं हो सकता। यहां पे हमने इसको लिखा है द शेयर ऑफ प्रोविंसेस इन ईच अवार्ड बी नॉट लेस देन द प्रीवियस वन। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम बात करते हैं बलोचिस्तान की बात करते हैं, प्रीवियस जो NFC अवार्ड है, अगर बलोचिस्तान को उसमें 7 रुपीज उसको बलोचिस्तान को मिले, तो अपकमिंग जो अवार्ड होगा उसमें बलोचिस्तान को जो शेयर मिलेगा वो 7 से ऊपर ही मिलेगा, 10 से ऊपर ही मिलेगा, यानी 10 रुपीज लास्ट टाइम मिले थे। जो अपकमिंग अवार्ड होगा उसमें बलोचिस्तान का जो शेयर होगा वो 10 से ऊपर ही होगा, 10 से कम नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू NFC 18 अमेंडमेंट एंड आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, यहां तक हमने बात की NFC की। अब कुछ इश्यूज हैं, मान लिया 18 अमेंडमेंट ने बड़ा कुछ अच्छा किया, पाकिस्तान को दोबारा से जो ना वो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट थी उसको फेडरल इन आउटलुक बनाया, सही, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किए, सही, अटोनमी को जो है ना वो प्रोविंशियल अटोनमी को इंश्योर कराया, पावर को डिवोल्व किया, सही, फॉर द सेक ऑफ इंप्रूविंग लोकल गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। लेकिन कुछ इश्यूज यहाँ पे ये हैं कि जो टैक्स जो प्रोविंसेस को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हैं, हमने ये नहीं देखा कि क्या प्रोविंसेस इस कैपेबल हैं या वेदर दे आर इन अ पोजिशन टू मीट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन टू देम आर रेंडर्ड टू देम अंडर 18 अमेंडमेंट। इस तरह की इश्यूज को, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स थे उनको हमने इन व्यू रखे बगैर ही प्रोविंसेस को ज्यादा जो है ना वो अथॉरिटी आर पावर उनको दे दिया। यहां पे हम बात करेंगे वो कौन से इश्यूज हैं जो कि इंस्यू हुए, जो कि जर्मिनेट हुए इन द आफ्टरमैथ ऑफ 18 अमेंडमेंट। तो पहला पॉइंट यहां पे हमने लिखा है, प्रोविंसेस हैव सिक्योर्ड मोर सब्जेक्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट आर होम टू इनकम्पिटेंस, लिथार्जी एंड लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी टू मीट द असाइंड टैक्स बेस। अब टैक्सेस को कलेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोविंसेस की है, ठीक, लेकिन प्रोविंसेस क्या अपना वो टैक्स जो टारगेट है उसको मीट कर पा रहे हैं? प्रोविंसेस नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब हमारे पास जो ओवरऑल जो रेवेन्यू जनरेशन होता है फिस्कल ईयर में वो डेफिसिट में चला जाता है, सही। अब जब वो डेफिसिट में होगा हमारे पास जो रेवेन्यू है वो कम जनरेट होगा, रिक्वायर्ड जो हमारे पास जो एक रिक्वायर्ड अमाउंट से कम अगर जनरेट हो तो क्या होगा, हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं गवर्नमेंट को रन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर्स या हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो नहीं होंगे। रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है कि हम बाहर से असिस्टेंस लें, सही, जिसकी वजह से हमारे पास बाकी सारे इशूज, सही। दूसरा जो पॉइंट यहां पे लिखा है कि प्रोविंसेस रिलाई मोर ऑन फ्री राइडिंग देन जनरेटिंग द मच नीडेड रेवेन्यू टू स्टेव ऑफ द कंट्रीज फिस्कल एंड बजट डेफिसिट्स। ऊपर हमने बात की कि प्रोविंसेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टैक्स को कलेक्ट करने की, सही, रेवेन्यू जनरेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपहोल्ड नहीं कर पा रहे, सही। जब ऐसा होगा तो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक इशूज यहां पर जनरेट होंगे। नेक्स्ट, अच्छा, द सेंटर पे फॉर डेथ, यहां से हम पढ़ रहे हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट पे फॉर डेथ डिफेंस सिक्योरिटी इंपोर्ट्स। अब हमारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सही, यानी इस्लामाबाद में जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, उसके पास NFC अवार्ड के अंडर जो रिसोर्सेज सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलते हैं उन रिसोर्सेज को गवर्नमेंट को रन करने के लिए यूज होता है, वो रिसोर्सेज यूज होते हैं। पाकिस्तान को जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं उनको फुलफिल करने के लिए वही उसी रिसोर्सेज में से या उसी शेयर में से यूटिलाइज होता है। डिफेंसिस को हमारे पास जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको भी हम कैसे मीट करते हैं, फ्रॉम दिस रिसोर्सेज आर सोर्स आर द शेयर एलोकेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर NFC अवार्ड। ठीक, नेक्स्ट, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, इंटरनल सिक्योरिटी को, इंपोर्ट्स के लिए जो हमारे पास जो इंपोर्ट्स के लिए जो आउटफ्लोस हैं उनको भी हम यूटिलाइज करते हैं या पे करते हैं उसी शेयर में से जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है अंडर NFC अवार्ड। ठीक, अब चूंकि हमें पता है NFC अवार्ड के अंडर जो हमारे पास डिविजिबल पूल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 42.75% है, जबकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का जो शेयर है वो 57.5% है, सही। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जब शेयर कम मिलेगा तो कैसे सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं या जो डेट सर्विसिंग हम करते हैं, डिफेंस को हमने अपडेट करना होता है, सही, सिक्योरिटी सिचुएशन को हमने मेंटेन रखना होता है या सिक्योरिटी जो हम हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं और इंपोर्ट्स के लिए जो हम पेमेंट्स करते हैं वो कैसे कर पाएंगे, सही। इतने कम शेयर में ये सारी चीजें तो हो नहीं सकती सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो इससे एक इशू होता है। आगे लिखा है,
सेंट्रल गवर्नमेंट कन्फर्म्स पेरिनियल चैलेंजेस इन मीटिंग इट्स एक्सपेंडिचर्स, यही हमने बात की, जब शेयर कम है, जब रिसोर्सेज कम अवेलेबल हैं टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो कैसे इन सारी चीजों को मीट कर सकती है। नेक्स्ट, प्रोविंसेस डू नथिंग एंड हैव नथिंग। प्रोविंसेस जिस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं या जिस मैनर में वो वर्क करते हैं उसको हमने यहां पर लिखा है, प्रोविंसेस डू नथिंग एंड वॉन्ट टू हैव एवरीथिंग। सही, यानी वो कुछ किए बगैर ही सब कुछ करना चाहते हैं। सही, यानी कुछ किए बगैर ही वो शोर मचाना शुरू करते हैं कि एनएफसी अवार्ड के अंडर उनका जो शेयर है वो इंक्रीज होना चाहिए। सही, नेक्स्ट, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल यहां पे समझने के लिए हमने लिखी है, मेंशन की है कि द टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अब 18 अमेंडमेंट ने एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज और प्रोविंशियल, हमारे पास जो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि अंडर 18 अमेंडमेंट प्रोविंसेस को मिले हैं, उनमें क्या है, उनमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो ये है कि जो टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर है, उन टैक्सेस को लिवाई करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अथॉरिटी है वो अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास है। लेकिन हर साल हर फिस्कल ईयर में जो रेवेन्यू जनरेट होता है या जो टैक्स कलेक्ट करते हैं प्रोविंसेस फ्रॉम दिस सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से, उसकी क्या क्वांटिटी है या रेशो, वो है हमारे पास परसेंटेज है 2.2% जो है ना प्रोविंसेस टैक्स कलेक्ट करते हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि डायरेक्ट टैक्सेस का कितना बनता है 0.22% बनता है। तो अब हमें पता है कि पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी है। जब इस बैकबोन से हम टैक्सेस कलेक्ट नहीं करेंगे, सही, जब हम एग्रीकल्चरल सेक्टर को टैक्स हॉलीडेज देंगे तो कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा। हालांकि एग्रीकल्चरल सेक्टर पे हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंपोर्ट जो ज्यादा बाहर से करते हैं वो ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए करते हैं, सही, जैसे केमिकल्स वगैरह, मशीनरी एक्सेट्रा। तो जब हम इस सेक्टर से कुछ ले नहीं रहे, क्योंकि पाकिस्तान का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्निंग सेक्टर्स में से है एग्रीकल्चर सेक्टर, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं लेकिन इससे अर्निंग कुछ हो नहीं रही, तो फिर कैसे हमारे जो रिक्वायर्ड जो हमारे पास रेवेन्यू है वो कैसे जनरेट होगा, या हमारे पास जो रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर है वो कैसे जनरेट होगा अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन इन रिटर्न हमें ये कुछ दे नहीं रहा, तो कैसे हमारे जो नीड्स हैं वो कैसे मीट होंगे। तो ये इस तरह के इशूज हैं। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.